नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने आगामी आ रहे त्योहार कोरोना और बीते कुछ दिनों से शहर में हो रहे वारदातों को लेकर शनिवार को पुलिस विभाग के साथ बैठक ली। इस बैठक में कोरोना आगामी त्योहार और बीते कुछ दिनों से शहर में हो रही वारदातों पर चर्चा की। बैठक के बाद पालक मंत्री नितिन राउत और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। पालक मंत्री ने कहा कि आगामी 3 महीने शहर के लिए महत्वपूर्ण है, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। या पद्धतीचं शहर आपलं निर्माण व्हावं ही आमची सदिच्छा नेहमी राहिलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं प्रयत्न करण्याचं चाललेलं आहे। आता याच्यामध्ये एक मात्र नक्की म्हणावं लागेल की डिटेन्शनचं जे प्रकार आहे तो आता आमचा वाढलेला आहे, यामध्ये 5% त्याच्यात फरक झालेला आहे। कुछ दिन पहले शहर में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था। इस मामले में पालक मंत्री ने कहा कि पीड़ित लड़की ये मति मन थी और वह इसके पहले भी घर से भाग गई थी, मगर ये घटना बहुत ही दुखद है और मैं इसका निषेध करता हूँ। इसने थ्रेट नहीं है, कोरोना का थर्ड वेव शुरू हो गया था और कोरोना की थ्रेट रहना रहा तीसरे लाटे की, तो त्या तैयारी में आज पर्यंत पहिल्या लाटेत आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये पोलीस विभागाने अतिउत्तम काम केलेलं आहे, या तिसरी लाटेत असताना। इसके साथ ही पालक मंत्री ने महेश राउत खुदकुशी मामले में भी बात की। उन्होंने कहा कि महेश ने इसके पहले भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की थी और महेश शराब पीकर था। मैं ऐसे असते की जशी जशी टेक्नोलॉजी बदलत जाते आणि टेक्नोलॉजी बदलत असताना ज्या नवीन गोष्टी येत असतात त्या करण्याचा प्रयत्न असतो, त्या प्रयत्नातलाच हा एक भाग आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। दुसरं असं की मी थोड्या वेळापूर्वी बोललो, आपण 100 नंबरचा उल्लेख या ठिकाणी केला की 100 नंबरची ज्या ठिकाणी यंत्रणा असते त्याला सुद्धा सक्षमता आणावं लागेल, त्याच्यात सुद्धा नवीन टेक्नॉलॉजी आणावं लागेल आणि त्या गोष्टी तपासून घेतल्या पाहिजेत। तर ह्या पद्धतीने करण्याचा आमचा विचार आहे। मला असं वाटतं की पालक मंत्री ने इन मामलों पर जो स्पष्टीकरण दिया है उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पालक मंत्री पुलिस विभाग का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों मामलों में सीधे तौर पर पुलिस का सहभाग नहीं है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।